नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ की इस यूट्यूब चैनल पर, जो कि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी के साथ साथ जो भी यहाँ पे एकेडमिक क्लासेस चलते हैं उसका भी इस चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों तक सुविधा पहुँचाई जाती है। आइए आज हम लोग अपने सामान्य हिंदी के क्लास में चर्चा करते हैं क्या है महत्वपूर्ण चीज, जो कि हम लोग चर्चा कर रहे थे तत्सम एवं तद्भव। हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? तत्सम एवं तद्भव। तो उसी तत्सम एवं तद्भव को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज भी उस पर चर्चा करें वह क्या है। जैसे आप देखेंगे एक शब्द है गेंद, कंदुक का होता है गेंद। एकादश का क्या होता है तद्भव? ग्यारह। एकादश का जो तद्भव होता है वह होता है आपका ग्यारह, ठीक है। गृध का गीध होता है, घोटक का घोड़ा, ठीक है। गृह का क्या होता है? घर होता है। गृह का तद्भव क्या होता है? घर होता है। घटिका का घड़ी होता है। गृहिणी का क्या होता है? घरनी। गृहिणी का क्या होता है? घरनी। गृहिणी का क्या होता है? घरनी। इस प्रकार आप देखेंगे घृत का क्या होता है? घी होता है। चर्म का क्या होता है? चाम होता है। चूर्ण का चूना। चक्रवाक का चकवा। चक्रवाक का जो तद्भव होता है चकवा। चवड़ का चवाना। चर्मकार का चरमार होता है। चणक का चना होता है। चोर का चोर, ठीक है। इस प्रकार आप देखेंगे चतुष्पद का जो तद्भव होता है चौपाया होता है। चंद्रिका का चांदनी होता है, चंद्र का चांद होता है। चतवारिस का चालीस होता है, चतवारिसत। चतवारिसत का क्या होता है? चालीस होता है। चुंबन का चूमना। चैत्र का चैत होता है, चैत्र का जो है चैत्र होता है। चरित्र का चरित होता है, आपको बताए थे हम। इसी प्रकार आप देखेंगे चक्र का चाक, चतुष्काष्ट का चौखट। चतुष्काष्ट का तद्भव क्या होता है? चौखट, ठीक है। चतुष्काष्ट का तद्भव क्या होता है? चौखट, ठीक है। चतुष्काष्ट का तद्भव क्या होता है? चौखट। इसी प्रकार आप देखेंगे चतुर्थ, चतुर्थ का चौथा। चतुर्विंशति का चौबीस, ठीक है, ये आपको हमने बताया था। इधर देखिए इस लाइन में ध्वज का क्या होता है? झंडा। जीण का झीना, झीना, जीण का झीना, ठीक है। निर्झर का झरना। तिलक का होता है तद्भव टीका। टंकसाल का होता है टकसाल। टंकसाल का तद्भव क्या होता है? टकसाल होता है। टिटिब्बी का होता है टिटिहरी। टिटिब्बी का जो है तद्भव क्या होता है? टिटिहरी। और दंशन का डसना, ठीक है। दाह का जो होता है डाह होता है। दृष्टि का जो होता है ठीट। दृष्टि का क्या होता है? ठीट, ठीक है।
इसी प्रकार आप देखेंगे शिथिल का ढीला, शिथिल का क्या होता है ढीला, अर्ध तृतीय का ढाई, अर्ध तृतीय का ढाई, ठीक है। तड़ाक का होता है तालाब, तड़ाक का क्या होता है तालाब होता है, ठीक है। ताम्र का तांबा होता है, त्रिगुण का तिगुना होता है, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे तृतीयक का तिहाई, तीक्ष्ण का तीखा होता है, तिक्त का तीता होता है, त्रिशत का तीस होता है, त्रिशत, त्रिशत का क्या होता है तीत होता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे तपस्वी, तपस्वी का क्या होता है तपसी, तपस्वी का क्या होता है तपसी। ताम्रचूर का तमचूर, ताम्रचूर का क्या होता है तमचूर होता है, ताम्रचूर का तमचूर होता है। त्रिणी का जो होता है तीन होता है, और त्रिशिंसत का होता है तैतीस, त्रितिंसत का तैतीस, ठीक है। त्रयोदश का तेरह होता है, त्रयोदश का क्या होता है तेरह होता है, त्रयोदश का तेरह होता है। इसी प्रकार आप देखेंगे स्थल का जो होता है थल होता है, दृष्टिकंग, दृष्टिका क्या हो जाएगा दाढ़ी, जमाता का दामाद, ठीक है। दक्षिण का दाहिना होता है, ठीक है। दुग्ध का दूध आप जानते हैं। तो ये रहा तत्सम एवं तद्भव के प्रमुख शब्द। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि द्विशत का दूसरा, दृच प्रेषण का देखना, और द्विपट का दुपट्टा, द्विपट का क्या होता है दुपट्टा होता है, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि दुर्लभ, एक तत्सम शब्द है दुर्लभ, दुर्लभ का होता है तद्भव दूल्हा, दुर्लभ का तद्भव क्या होता है दूल्हा। द्विप्रहरी, द्विप्रहरी का हो जाएगा दुपहरी, ध्वनि का धुनि, धान्य का धान, धैर्य का धीरज तद्भव, ठीक है। धूम का धुआं, धावन का धोना, धरित्री का धरती, धर्म का धर्म, धर्म एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या हो जाएगा धर्म, ठीक है। नक्र का नाक, ठीक है, नारिकेल का नारियल, नख का जो है नाखून हो जाएगा, नख का क्या हो जाएगा नाखून, नखहरण का नहना, नखहरण का क्या हो जाएगा नहना, ठीक है, नखहरण का क्या हो जाएगा नहना। लंघन का नांगना, नस्ता का नाथ, निर्गलन का निगलना, निष्ठुर का हो जाएगा निठुर, निष्ठुर का जो हो जाएगा निठुर हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे निवहरण का निभाना, निर्वहरण, निर्वहरण का क्या हो जाएगा निभाना। निर्वहरण क्या है आप जान रहे हैं, तत्सम शब्द है। निद्रा का तो आप जानते हैं तद्भव नींद हो जाएगा। निम्बक का नींबू, निम्बक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा नींबू, ठीक है। निर्वाह का निवाह, प्रस्तर का पत्थर हो जाएगा, प्रस्तर एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होगा पत्थर। प्रतिवेशी का पड़ोसी, प्रतिवेशी, प्रतिवेशी एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या हो जाएगा पड़ोसी। पक्षी का हो जाएगा पंछी, पत्रिका का पाती, पक्ष का पाक, पुष्कर का क्या हो जाएगा पोखरा, पुष्कर एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या हो जाएगा पोखरा, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे पक्ष का तो पंख आपने देख लिया,
पंक्ति का पंगत, पंक्ति कोई चीज पंक्ति में लिखा है तत्सम है, इसका पंगत हो जाएगा तद्भव। पंचदश का पंद्रह, पंचदश का क्या हो जाएगा पंद्रह, पंचदश का पंद्रह। पक्व का पक्का, ठीक है। प्रतिवेश का तो पड़ोस आपने देखा। परपटी का पपड़ी, परपटी परपटी एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या हो जाएगा परपटी का पपड़ी। पुत्तालिका का पुतली, परीक्षा का तो परख हो जाएगा। प्रभुत्व का क्या हो जाएगा पहुंच, प्रभुत्व एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या हो जाएगा पहुंच। पण का हो जाएगा पान, ठीक। परपट का पापड़ हो जाएगा। पुरातन का पुराना हो जाएगा। पुरुषार्थ का क्या हो जाएगा पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का क्या हो जाएगा पुरुषार्थ, ठीक है। पुरुषार्थ का क्या हो जाएगा पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का क्या हो जाएगा पुरुषार्थ। पुच्छ का क्या हो जाएगा पूंछ। प्रकट का प्रगट। परमार्थ का परमार्थ, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे पंच त्रिसंत, पंच त्रिसंत एक तत्सम शब्द जिसका तद्भव क्या आ जाएगा 35, ठीक है। पुत्र वधु का पतोहु होता है। पदाति का पैदल होता है। पिपासा का प्यास होता है, ठीक है। पिटक का पिटारा होता है। इसी प्रकार आप देखेंगे पिष्टिका का पीठी, पीठ का पीढ़ा, ठीक है। स्फोट, स्फोट का हो जाएगा तद्भव फोड़ा। स्फटिक का फिटकरी, फटकरी। पासिका का फांसी, पासिका, पासिका का क्या हो जाएगा फांसी। फागुन का फागुन, स्फूर्ति का फूर्ति। वधु का क्या हो जाएगा बहु। भगनी पति का हो जाएगा बहनोई। नापी का बावली, ठीक है। वर्कर का बकरा। वतर्म का बाट हो जाएगा। बिसंती का बीस। पृतस्वसा का बुआ, पृतस्वसा, पृतस्वसा का क्या हो जाएगा बुआ, ठीक है। पृतस्वसा का क्या हो जाएगा बुआ। वृद्ध का बुढ़ा। बिंदु का बूंद। उपविष्ट का बैस। वामन का बौना। भक्त का भगत। भद्र के भला। विभूति का भभूर्त, विभूति का क्या हो जाएगा भभूति, भभूर्त। अभियंतर का भीतर। भूस का भूसा। मत्सर का मच्छर। और मच्छिका का क्या हो जाएगा तद्भव मच्छी, ठीक है। मार्ग का मग। मुष्टि का मुट्ठी। और मंडप का मंडुआ हो जाएगा। मंडन का मरना। मंत्रकारी का हो जाएगा मदारी। मरण का मरना, ठीक है, ये हो जाएगा। भातृव्य के भतीज। भातृ के भाई, ठीक है। ये है कुछ तत्सम एवं तद्भव जो कि आपको हमने इससे पहले के क्लास में बताया है कि तत्सम तद्भव क्या है, इसके पहचानने के क्या नियम है। हमने कहा था कि आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। अभी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आया हुआ है। इस प्रकार साथियों इसको जरूर देखिए और मंथन अध्ययन जरूर करिए। जय हिंद।